चलिए देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था भाई एक्सेस रूल के बारे में, है ना। पैकेज तो हमने पढ़ लिया था, पैकेज खत्म हो गया था, एक्सेस रूल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप एक्सेस रूल प्रैक्टिस कर रहे होगे, है ना। नहीं कर रहे हैं तो करिए प्लीज़, ठीक है। और पैकेज भी, जहाँ पे दिक्कत आया आप मुझे बताइए। तो एक्सेस रूल को समझाने के लिए मैं एक टेबल यही बना रहा हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, सेम पैकेज, सेम पैकेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, अदर पैकेज, ठीक है। तो एक सेम पैकेज हो गया और एक अदर पैकेज हो गया, दो चीज़ें हो गया, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? अब जी हमारे पास एक्सेस रूल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है पब्लिक, फिर क्या होता है भाई, क्या होता है कोई बताएगा? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फिर होता है डिफॉल्ट, और फिर होता है प्राइवेट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैंने एक टेबल ऐसे बना लिया, एक लाइन बना दी, ये ऊपर भी मैंने ऐसे एक लाइन बना दिया, सब आपको समझाने के लिए ही है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई पब्लिक के अंदर, यहाँ पे लिख दिया भाई सेम क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया भाई सब क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सेम क्लास, सब क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने नॉन सब क्लास, नॉन सब क्लास। और यहाँ पे हमने दे दिया भाई सेम क्लास, सब क्लास, यहाँ पे दे दिया हमने जी सब क्लास, और दे दिया भाई नॉन सब क्लास। ये मैं क्या बना रहा हूँ अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ये क्या है और किस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कहानी कुछ ऐसे है कि एक लाइन और खींचने दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है ए, और उसके आगे पैकेज है PACKAG, पैकेज P1। तो ये जो क्लास है ये अपने ही पैकेज में है, सेम क्लास के सेम पैकेज में। तो ये हो गया सेम पैकेज और उसकी सेम क्लास, बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? सेम पैकेज सेम क्लास का मतलब समझ में आया? बोलिए भाई। ओके, इसी पैकेज में एक दूसरी क्लास मैंने बना दी बी, और बी को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब बी एक्सटेंड कर दिया ए को, और पैकेज हमारा सेम है, P1 ही है। तो सेम पैकेज का ये जो क्लास बन गई बी, ये बन गई सब क्लास। तो ये सेम पैकेज का सब क्लास, अगर इनहेरिट कर रहा है तो सब है, और नहीं कर रहा है तो नॉन सब है। तो अब आप मुझे बताइए कि सेम पैकेज से रिलेटेड ये तीनों टेबल, सेम क्लास, सब क्लास, नॉन सब क्लास के बारे में समझ में आ गया? हाँ जी। नहीं सर, ओके, लेकिन अगर ये बी क्लास किसी और पैकेज में होती, लेट से पैकेज P2 में होता, ये अदर पैकेज हो जाता। अदर पैकेज में भी या तो ये एक्सटेंड करता या तो नहीं करता, एक्सटेंड करता तो सब होता, नहीं होता तो नहीं करता। तो ये लिखा हुआ है अदर पैकेज का सब क्लास या अदर पैकेज का नॉन सब क्लास, ठीक है। तो अदर पैकेज में सेम क्लास तो होगा नहीं, है ना, सेम पैकेज सेम क्लास ही हो सकता है, अदर पैकेज में सेम क्लास कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो भैया ये इस तरह से ये कहानी है। अब बताइए, अब क्लियर हो गया क्या मैंने टेबल बनाया है और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं?
सेम पैकेज सेम क्लास, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, अदर पैकेज सब क्लास, अदर पैकेज नॉन सब क्लास। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो क्लियर है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो पब्लिक है ये हर जगह एक्सेसिबल है, तो इसके केस में मैं लिखूंगा यस, और ये सारे जगह पे होगा। ये मतलब पब्लिक को कहीं पे भी एक्सेस कर लो, सब जगह एक्सेस कर लो, सेम पैकेज में भी कर लो और अदर में भी कर लो, अदर पैकेज के सब क्लास में भी कर लो और नॉन सब क्लास में भी एक्सेस कर लो, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टेड को सेम पैकेज में तो एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि चाहे पब्लिक हो चाहे प्रोटेक्टेड हो, है ना, और चाहे डिफॉल्ट हो, तीनों की मीनिंग एक ही पैकेज में सेम होती है। विद इन पैकेज तीनों सेम है, सब जगह एक्सेसिबल हैं, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट जो है पैकेज के बाहर नहीं जाता, तो यहाँ पे नो लिख दिया मैंने, यहाँ पे नो लिख दिया मैंने, ठीक है। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर जाता है या नहीं जाता है? प्रोटेक्टेड पैकेज के बाहर जाता है लेकिन कंडीशन के साथ। हाँ, इनहेरिट, यानी कि यहाँ पे नॉन सब में तो नहीं जाएगा और सब में ही बस जाएगा, इनहेरिटेंस के माध्यम से जाएगा, और वो भी कंडीशन है कि ओनली विथ, है ना, सॉरी, ओनली विथ चाइल्ड रेफरेंस, चाइल्ड रेफरेंस से एक्सेस होगा ये, ठीक है। और प्राइवेट क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा, क्लास सेम क्लास में एक्सेसिबल होगा और क्लास के बाहर बाकी कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा। नो हो गया, नो नो नो। तो अगर नीचे से आप याद करो इसका, मुझे ये सब कैसे याद है, मुझे ऐसे याद है भाई, सिंपल सा मतलब है, मुझे ये एक्सेसिबिलिटी का जो कह सकते हो कि ये सारा, मुझे ये ऊपर से नीचे कौन सा चीज़ कहाँ एक्सेसिबल है ये मुझे पता है, पब्लिक होता है प्रोटेक्टेड, सीक्वेंस पता है, सीक्वेंस लिख दिया। फिर यहाँ नीचे से अगर देखो तो यहाँ पे चारों नो है, ऊपर से दो नो है, फिर एक नो है, इस तरह से, समझ रहे हो। या प्राइवेट तो क्लास के बाहर ही नहीं जाएगा, डिफॉल्ट पैकेज के बाहर नहीं जाएगा, और प्रोटेक्टेड के लिए एक ही कहानी है भाई कि वो पैकेज के बाहर जाएगा लेकिन चाइल्ड के रेफरेंस से और सब क्लास में जाएगा, और पब्लिक क्लास के बाहर ही नहीं जाए भाई, पब्लिक सॉरी सब जगह एक्सेसिबल होगा। तो ये हो गई एक्सेसिबिलिटी का सारा टेबल। अब इसकी प्रैक्टिस मैं करके दिखाऊं या आप कर लोगे, आप बताओ, इसकी प्रैक्टिस करके दिखाऊं मैं, आप कर लोगे? प्रोग्राम बनाना है सिंपल और एक्सेस करके देखना है, जो मैंने बता दिया है वो एकदम बिल्कुल सत्य वचन है, वो एकदम बिल्कुल, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, जो मैंने बता दिया वो सही है। और अगर आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो करना ही क्या है, पब्लिक तो जानते हो करके देखा ही, पैकेज के बाहर एक्सेस करके देखा, बस प्रोटेक्टेड को करके देखना है। डिफॉल्ट तो पहले भी जानते हो, जब पब्लिक की प्रैक्टिस करी थी तो डिफॉल्ट छोड़ के देखा ही था हमने, डिफॉल्ट लगा के देखा था, वो पैकेज के बाहर ही नहीं जा रहा था, और डिफॉल्ट जैसे पब्लिक लगाया पैकेज के बाहर जाने लगा था। प्राइवेट, हाँ मैं ये कल बात बता रहा था कि हम क्लास के आगे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसका दो स्कोप होता है, ठीक है, डेवलपमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं, कंपनी में बैठ के हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई क्लासेस डिजाइन करी है, कोई इंटरफेसेस बनाया है, उसका दो स्कोप होता है, या तो हम उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी को देना चाहते हैं या तो नहीं देना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो पब्लिक बना दें, नहीं देना चाहते डिफॉल्ट छोड़ दें, ठीक है, तीसरा कोई स्कोप है नहीं, इसलिए तीसरा कोई कीवर्ड लगाने का कोई जरूरत थी नहीं क्लास या इस पे इंटरफेस पे, इसीलिए हम क्लास इंटरफेस पे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लगाते। ठीक है, बोलो भाई, आप लोग बताओ, जैसे आप कहोगे वैसा करूंगा, फटाफट बताइए। सर थोड़ा सा कर दो, कर देते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा सा कहें पूरा करेंगे। ये आइए देखिए, यहाँ पे अभी नहीं, कहाँ गया,
यार मैंने कल बनाया था, डिलीट मार दिया मुझे लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लास है, ये पैकेज है, ये क्लास है, और ये क्लास हो गया और ये दूसरी क्लास हो गई। इस क्लास में डेटा रख लो, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10, बस एक डेटा रख के देख लो। और इसकी फाइल का नाम रख दो ए, क्लास का भी नाम ए, फाइल का भी नाम ए, ठीक है। अब इसको कंपाइल कर लो, इसका पैकेज बन जाएगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसी में डाल देता हूँ इसे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, डेस्कटॉप मेरा इधर उधर दिखेगा ना, ये देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो बस मैंने आ गया और मैंने यहाँ पे जी इसे कंपाइल कर लिया, जावा सी हाइफन डी डॉट ए डॉट जावा। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, जानते हो, करंट डायरेक्टरी में पैकेज बन गया। तो ए क्लास पी वन पैकेज से बिलोंग कर रही है। अब इसको हमें क्या करना है भाई, दूसरे क्लास में एक्सेस करना है। दूसरी क्लास बनाते हैं बी नाम से। अब बी वाली क्लास जो है सेम पैकेज से मान लो बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि सेम पैकेज में तो सबकी मीनिंग सेम ही है। विद इन पैकेज आप पब्लिक बनाओ ना बनाओ आपकी इच्छा है। चलो ठीक है, मैं विद इन पैकेज ही काम करके आपको दिखाता हूँ। बी क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या करा भाई, ए क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैंने भाई ए डॉट एक्स कॉल कर दिया। समस्या क्या है, कुछ भी नहीं है। जावा सी आई फंडी बी डॉट जावा, हो गया कंपाइल, जावा ओके जी। प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत कर दोगे तो समस्या ही समस्या है, ठीक है। ये लीजिए भाई, कर दिया कंपाइल, ठीक है। अब जब हमने लिखा जावा पी वन डॉट बी, ये देखिए रन हो गया। सेम पैकेज में तो कोई समस्या ही नहीं है, समस्या क्या है, जब पैकेज बदल जाएगा। चलो ठीक है, सेम पैकेज में चाहे डिफॉल्ट छोड़ दो, चलो ठीक है, चाहे पब्लिक बना लो, ठीक है, उसे भी करके देख लो, पब्लिक भी बना के देख लो, ठीक है, एक ही पैकेज में सब कुछ करके देख लो। ये लो, अच्छा देखो, मैंने ए को कंपाइल करा है, बी को कंपाइल करा है, ए अपने आप कंपाइल हो गया होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज के केस में ऐसा होता है कि नहीं होता, जरा ये देखते हैं हम। इम्प्लिसिट कंपाइलेशन, बी को करा, ए अभी नहीं हुआ है ना, ए नहीं हुआ, सॉरी। तो जावा सी हाइफन डी डॉट स्टार डॉट जावा लगा दो ना एक साथ दोनों कंपाइल, मज़ेदार चीज़। फिर जावा पी वन डॉट बी, चल गया। तो चाहे पब्लिक बना दो, चाहे प्रोटेक्टेड बना लो, पैक पी आर ओ टी प्रोटेक्टेड बना लो, ये लीजिए। प्रोटेक्टेड बना लिया, पब्लिक बना दिया, फिर से कंपाइल कर लिया, फिर से रन कर लिया। तो पैकेज के अंदर क्या है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। असली कहानी तो सब शुरू होगी जब पैकेज बदल जाएगा। इसका पैकेज पी टू है, ठीक है, इसका पैकेज पी टू है, और डेटा हमारा कैसा था, वो प्रोटेक्टेड था। देखना पैकेज के बाहर जाएगा नहीं जाएगा। देखिए कंपाइल किया, एरर, कैन नॉट फाइंड ए नहीं मिल रहा है ना, ए नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्लास पब्लिक नहीं है ना यार। कोई पब्लिक क्लास नहीं है तो पैकेज के बाहर जाएगा ही नहीं। तो क्लास पब्लिक बना दिया, डेटा प्रोटेक्टेड छोड़ दिया, ठीक है। चलो भैया अब देखो क्या समस्या, अब समस्या कि डेटा नहीं मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, देख रहे हो, बहुत बहुत समस्या है भाई। अब क्या करें हम, अगर मुझे इसे बी में एक्सेस करना है, क्लास को पब्लिक बना दिया, बी में एक्सेस कराना है और प्रोटेक्टेड है ना, तो बी में मुझे करना पड़ेगा इनहेरिटेंस, ई एक्स टी एन डी एस एक्सटेंड ए, इनहेरिटेंस करके, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट और चाइल्ड का रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे बी के ऑब्जेक्ट पे पेरेंट का डेटा चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए कंपाइल, क्या हुआ भाई, ई एक्स टी ई एन डी एस एक्सटेंड्स ए, ऐसा क्यों दिक्कत कर रहा है ये। अच्छा जी, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इम्पोर्ट नहीं कराना यार, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, पी वन डॉट ए इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। बहुत बहुत समस्या है भाई, पैकेज पढ़ रहे हो ना तो सारा दिमाग एकदम खोल के रखना पड़ेगा आपको। हो गया इनहेरिटेंस, देख रहे हो। अच्छा आप बोलेंगे कि पहले भी नहीं किया था इसलिए नहीं, तो पहले अगर कर भी लोगे तब भी नहीं हो पाएगा,
और इनहेरिटेंस नहीं करोगे और ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से चलाओगे तब भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर इनहेरिटेंस करके और पेरेंट के ऑब्जेक्ट से चलाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखो ओनली विथ चाइल्ड रेफरेंस, देखो यस हैज अ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन दिस, प्रोटेक्टेड चीजें चाइल्ड के ऑब्जेक्ट और चाइल्ड के रेफरेंस से चलेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस है ना, ओनली विथ चाइल्ड रेफरेंस, ये पता होना चाहिए, फिर चला लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड, क्लास के आगे प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लगा के देख लीजिए। ये लो भाई रन हो गया, क्यों नहीं रन हुआ भाई, क्या है पी वन डॉट बी, पी टू डॉट बी, पी टू में भी है ना अब तो, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा था, अदर पैकेज में ही कहानी होती है। तो क्लास प्रोटेक्टेड हो सकता है नहीं, डेटा हो सकता है हाँ, मेथड हो सकता है हाँ, कंसेप्टर हो सकता है, कंसेप्टर को प्रोटेक्टेड आप बना सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्टेड कंसेप्टर कर दोगे तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक समस्या हो जाएगी, इसको बंद करते हैं भाई, पता नहीं हैंग क्यों करने लगता है ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं। मिनिमाइज कर दीजिए, फिर से इस फोल्डर में आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए, देखिए। तो मैंने क्लास के आगे प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा दिया, तो ये देखिए कहेगा कि भैया प्रोटेक्टेड क्लास के आगे नहीं लगा सकते हो आप, पब्लिक प्रोटेक्टेड लगाने से एरर आ जाएगा। कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये देखिए, देखिए मॉडिफायर प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड हियर एंड दिस कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज। भाई बताइए क्लियर है या कोई दिक्कत है, प्रोटेक्टेड ही सबसे पेचीदा था, समझा दिया, बोलो भाई हैं, बोलो या नहीं बोलोगे यार, बोल दो, क्लियर है, तो क्लियर है ना। yes. अब पब्लिक बना के दिखाऊं, पब्लिक बना दोगे तो कहीं पे भी एक्सेसिबल हो जाएगा, पब्लिक तो इनहेरिट करो या ना करो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगा, वो तो करके देखा ही था मैंने पैकेज में आप लोग, या इनहेरिट करो या ना करो, अब आप चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना लो, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, उसी के रेफरेंस पे चला लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट रेफरेंस पे चला लीजिए, कोई इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है, नो इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड, जावा पी टू डॉट बी, चल गया। प्राइवेट है तो क्लास के बाहर ही एक्सेस नहीं होगा, आप करके देख लो, प्राइवेट डेटा बना लो क्लास के बाहर ही नहीं एक्सेस सकता, प्राइवेट क्लास पे अलाउड नहीं होता है, तो सारा चीज यही तो है भाई, बहुत आसान सा चीज है, थोड़ा दिमाग एकाग्र करके आपको पढ़ना होगा। तो याद है आपको प्रोटेक्टेड में क्यों नहीं पढ़ा रहा था पहली क्लास में, पब्लिक क्यों नहीं पढ़ा रहा था, इसीलिए क्योंकि पैकेज पढ़ लोगे तभी इसका फायदा है, मेन मेथड पब्लिक इसलिए है क्योंकि जावा का जेवीएम पता नहीं कहाँ पे है, वो कहीं दूसरी जगह पढ़ा हुआ, किसी और पैकेज में पढ़ा हुआ है, और हमारी क्लास किसी और पैकेज में मान लो है, हमने पैकेज बना रखा है, तो जेवीएम पैकेज के बाहर उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा, मेन को पब्लिक होगी तभी तो एक्सेस कर पाएगा, इसलिए मेन मेथड पब्लिक होता है जावा का। ठीक है, तो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज दोबारा आप पूछिए, मैं दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है, दो बार बताऊंगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपको क्यों नहीं आया या कैसे आया। पब्लिक सत्येंद्र समझ में आ रहा है, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट डिफॉल्ट, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट डिफॉल्ट, क्लियर सत्येंद्र समझ में आ रहा है, सत्येंद्र सर वो तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया है तो डिफॉल्ट बताओ ना एक बार, डिफॉल्ट मतलब जिसके आगे पहले ये बताओ डिफॉल्ट होता क्या है, ये पता है? हाँ सर कुछ नहीं होता है जिसके आगे, हाँ जिसके आगे कुछ नहीं है वो डिफॉल्ट है, बिल्कुल जिसके आगे कुछ भी नहीं है वो डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट जो है पैकेज के सॉरी डिफॉल्ट जो है पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, आप बाय डिफॉल्ट अगर रखते हो तो पैकेज के बाहर जाता है क्या, अगर कुछ नहीं लगाते हो तो पैकेज के बाहर एक्सेस होता है, आप बताइए। नहीं सर, तो सर वो प्राइवेट होता है क्या? नहीं यार प्राइवेट कैसे होता है, प्राइवेट अलग चीज है, डिफॉल्ट अलग चीज है, प्राइवेट के लिए प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा ना आपको,
प्राइवेट के लिए प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा आपको, समझ नहीं रहे हो? मैंने डिलीट मार दी क्या? प्राइवेट अगर कोई चीज बन रही है तो प्राइवेट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे जावा बीन क्लास हमने बनाया था, उसमें डेटा मेंबर को प्राइवेट बनाया था कि नहीं बनाया था, उस तरह से प्राइवेट लिखना पड़ेगा। हाँ, आप उसे बोल सकते हो कि जो डिफॉल्ट होता है वो प्राइवेट टू द पैकेज होता है, वो पैकेज के अंदर प्राइवेट होता है एक तरह से, समझने के लिए, ठीक है। प्राइवेट क्लास पे नहीं लग सकता है, प्राइवेट जो है वो केवल डेटा के आगे लग सकता है, मेथड के आगे लग सकता है, कंस्ट्रक्टर के आगे लग सकता है। अगर हमने प्राइवेट क्लास बनाई है तो बना तो नहीं सकते, सॉरी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास नहीं बन सकता, समझ रहे हो? याद है मैं सिंगलटन पढ़ाया था आपको, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाया था, है ना, और क्लास को फाइनल बनाया था ताकि फाइनल को इनहेरिट ना कर पाए और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से उसका ऑब्जेक्ट ही ना कोई बना पाए। प्राइवेट अलग चीज है, डिफॉल्ट अलग चीज है, समझे नहीं? बोलो भाई। समझ गए सर, समझ गए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, समझ गए, अच्छी बात है।